गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको मैं ऐसा कन्वर्जन बता रहा हूं जिसमें ए से लेकर के और जेड तक की मैंने सीरीज चलाई है आपके लिए, और ये ए से लेकर के जेड तक की सीरीज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्टली जो रिएक्शन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आपकी आ जाएगी इसमें। इस पूरी ए टू जेड सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट रिएक्शन आ जाएगी। आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स हैं, इसमें वो सारी रिएक्शंस आ जाएंगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मोस्टली रिएक्शंस जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है कि अगर ये रिएजेंट लेते तो क्या बनेगा, वो रिएजेंट लेगा तो क्या बनेगा। चलो इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले CaC2, इसकी रिएक्शन H2O के साथ करवा दो, तो CaC2 की रिएक्शन H2O के साथ होगी तो क्या बनेगा। यहां से देखो, यहां से CA और दो OH मिलकर क्या बना देंगे, देखो एक तो ये C2 और दो हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे C2H2, ये बन जाएगा। C2H2 क्या होगी, C2H2 को बोलेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन बन गई। और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा CaOH का हॉल्ट वाइज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट रेड हॉट Fe, इसके साथ क्या करेंगे, रेड हॉट Fe में तीन CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और ये आपस में अगर कंबाइन हो गए तीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इससे जो बन जाएगी वो बनेगी बेंजीन। ऐसे कुछ क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बेंजीन बन गई। ठीक है, तीन यहां पर क्या कंबाइन होंगे, तीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH कंबाइन होंगे तो वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बेंजीन बना देंगे, तो यहां पर बेंजीन बन जाएगी। फिर नेक्स्ट O3 ओजोन, ओजोन आएगा तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को तोड़ेगा, खचाक बॉन्ड को, सबको, इसको तोड़ देगा, सब बॉन्ड्स को तोड़ देता है। और क्या करेगा ये बना देगा CHO, और क्या बना देगा CHO, सबको तोड़ देगा, सबको यहां से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहां ऑक्सीजन जुड़ेगा, और कितने मॉलिक्यूल बना देगा, कितनी बॉल, CHO के तीन मॉलिक्यूल यहां पर तीन बनेंगे। अब ये 50% NaOH, क्या ये CHO टॉलरेंस देगा, बिल्कुल ये टॉलरेंस टेस्ट देगा। ये क्या ये बेनेडिक्ट टेस्ट देगा, बिल्कुल ये बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाते हैं 50% NaOH से, 50% NaOH के साथ क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, एक इसका मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा यहां पर ये वाला जो है ये CHO, ये क्या हो गया, इसको कर देते हैं हम रिड्यूस, और दूसरे वाले को क्या कर देते हैं ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा, ये डी बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इस पे रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन करवाते हैं। एक मजेदार टिप्स बताता हूं आपको रेड फास्फोरस और HI के लिए, रेड फास्फोरस और HI के सामने जो भी आएगा, जो भी इससे टकराएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कुछ भी आए इसके सामने वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ये सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। याद रखो, जो भी रेड फास्फोरस और HI के सामने आएगा वो इससे टकराएगा एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल्केन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा इससे CH3 CH3, दो एटम है कार्बन के तो CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर ले रहे हैं क्लोरीन और HNU के साथ, HNU सनलाइट, क्लोरीन के साथ रोशनी, सनलाइट ले रहे हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, एक हैलोजन आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा CH2Cl और क्या बनेगा CH3, ये बन जाएगा। फिर नेक्स्ट एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, यहां से देखो, यहां पर ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ये जाएगा इधर की तरफ और Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HCl को यहां से बाहर निकाल देगा और फिर क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा, तो यहां पर जो बन जाएगा
वो क्या बन जाएगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। एल्कीन पर ओ थ्री की रिएक्शन करवाते हैं, ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो फिर क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा HCHO, इससे क्या बन जाएगा HCHO बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे दो मॉलिक्यूल यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड के बनेंगे। नेक्स्ट ZnHg concentrate HCl, इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन, इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। तो क्लीमेंशन रिडक्शन में क्या होगा, HCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लीमेंशन रिडक्शन जब भी आएगा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH4। फिर क्लोरीन और रोशनी सनलाइट क्या करेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। जब यहां से हाइड्रोजन हटेगा और क्लोरीन जाके जुड़ेगा तो बन जाएगा CH3Cl। फिर KCl क्या करेगा, KCl जो रहेगा इसके केस में रिएक्शन होगी तो K यहां से और Cl मिलके KCl हट जाएगा और CN जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। फिर CH3CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बनेगा क्या, एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इससे CH3 और CONH2 ये बन जाएगा। अब CH3CONH2 की P2O5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो H2O फिर बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा H2O, ये निकालता है पानी। P2O5 क्या निकालेगा, पानी निकालेगा, अगर ये पानी निकालेगा तो बनेगा यहां से O, यहां से H2 बाहर हो जाएगा CH3Cl। अब CH3Cl का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर COOH आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा CH3 और क्या आ जाएगा COOH आ जाएगा, ये CH3COOH और CH3COOH के सामने NaOH और CaO लोगे, इसको बोलेंगे सोडा लाइम, ये है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 है, ये CO2, यहां से CO2 बाहर निकल जाएगा और CO2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH4 बन जाएगा। फिर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा, रोशनी आएगी, सनलाइट आएगी तो फिर यहां से हाइड्रोजन कट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, Cl जाके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो एक Cl जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3Cl। फिर इसके बाद इसकी करवाते हैं कौन सी रिएक्शन है, ये बेंजीन के साथ CH3Cl और AlCl3 फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा और Cl यहां से हट जाएगा और Cl हट के यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा CH3+ और CH3+ इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहां पर ये बन गया, ये प्रोडक्ट। हॉट के MnO4 क्या करेगा, हॉट के MnO4 जहां पे भी कार्बन देखेगा उसको COOH में कन्वर्ट कर देगा तो इसको बदल देगा ये COOH में, तो ये बन जाएगा, ये COOH आ जाएगा। हाँ, एसिड ये बेस, जब भी एसिड बेस आपस में टकराएंगे, आपस में जब भी ये टकराएंगे तो सॉल्ट बना देंगे और ये सॉल्ट बनाएंगे तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा, और साथ में हीट करेंगे तो हीट करने पर पहले तो ये जुड़ेंगे NH3 और H जुड़ करके NH4+ बन जाएगा, फिर उसमें से H2O निकाल दोगे तो H2O निकालने पर क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा COOH2, अमाइड रह जाएगा, अमाइड रह जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन AlCl4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो भी सामने आएगा उसका रिडक्शन कर देगा ये COOH2, इसको बदल देगा किसमें, इसको बदल देगा, ये देखो CH2NH2 में बदल देगा, CH2NH2 में बदल देगा। अब NaNO2HCl, NaNO2HCl इस NH2 ग्रुप को किसमें चेंज कर देगा, इस NH2 ग्रुप को चेंज कर देगा, यहां पर लगा देगा क्या, यहां पर लगा देगा ये CH2 और OH ग्रुप लगा देगा यहां पर, ये जो है
NH2 ग्रुप, ये 1 डिग्री अमीन है, इस 1 डिग्री अमीन को ये किस में चेंज कर देगा, एल्कोहल में चेंज कर देगा, ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा। फिर पीसीसी पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, इस OH को चेंज कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो इसमें कन्वर्ट ये हो जाएगा, CHO बन जाएगा। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेट NaOH, कॉन्सेंट्रेट NaOH से फिर कैनिजारो रिएक्शन होगी, और कैनिजारो रिएक्शन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे यहां पर दो प्रोडक्ट, एक तो एक का तो होगा ऑक्सीडेशन, और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो यहां पर बन जाएगा एक तो CH2OH, CH2OH बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, एक ये बन जाएगा COO नेगेटिव, जिसमें ए जो बनाए CH2OH बनाए, इसकी KNO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका क्या कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा ए का, ए यहां पर ए ये है और बी कौन है यहां पर ये है, तो ए का KNO4 के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा ये COOH ग्रुप आ जाएगा, यहां पर COOH ग्रुप आ जाएगा, और COOH ग्रुप की रिएक्शन जब भी एसिड बेस आपस में टकराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा तो फिर इसको जब हीट करेंगे तो वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा CONH2। पहले NH3H मिलकर NH4+ बनेगा, NH4+ में से फिर क्या होगा, यहां से H2O निकल के क्या रह जाएगा, CONH2 रह जाएगा, तो लास्ट में जो जेड बनेगा वो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। बच्चा बताओ बच्चों, आपको मजा आया या नहीं आया, ए से लेकर के और जेड तक की मैंने इसमें कंप्लीट रिएक्शन लिखी, आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज के साथ, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस के साथ फिर से आपके साथ आऊंगा, फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।